क्या हाल चाल दोस्तों। यार आज के एक और यार एपिसोड के साथ, एक और माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के नए एपिसोड के साथ, एक और नहीं, फाइनली एपिसोड 4 आ चुका है माइनक्राफ्ट का, ठीक है। और इस वाले वीडियो में यार बहुत बढ़िया चीज़ हमने की है। आपको पता होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन पूछा था, पर आंसर नहीं आया था, पर ठीक है मैंने तब भी बना दिया। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन पूछा था कि आपको किस पे वीडियो चाहिए नेक्स्ट वाला, एक्सपी फार्म बनाए या फिर हमारा घर बनाए या फिर हम हमारा पूरा डायमंड का आर्मर बनाए। तो यार मैंने सोचा कि यार पहले डायमंड का आर्मर ही बना लेते हैं, उससे बढ़िया चीज़ रहेगा कि एट दी एंड हम अच्छा आर्मर के साथ रहेंगे ना, तो एक टाइप से फ़ायदा रहेगा जॉम्बीज वगैरह से, या फिर अगर पीवीपी करना है देवस्टर के साथ मारना है उसको। सही समझ रहे हो ना? समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना? आप सोच रहे हो कि यार इस बार व्हाट इज अप वाला इंट्रो नहीं आया, यो व्हाट इज गाइस, यो यो ठीक है बॉय, आई ना? एम सेफ। एंड आ ही गया ना, ये ज्यादा बढ़िया था मेरे हिसाब से। मैंने थोड़ा कुछ अलग सा ट्राई किया, ठीक है, पर कोई नहीं। और एक बात मैं बता दूँ यार, इस वीडियो में, ठीक है, स्पेशली इस वीडियो में हमने ज्यादा कुछ किया नहीं है। मीन्स आर्मर जरूर अपने हमारा पूरा बना लिया है, पर यार मोस्टली ट्रेडिंग ही किया है, ठीक है। आर्मर से कोल का ट्रेडिंग, फ्लिस्टर जो मेरे को आइडिया दिया था आरडी ने, उससे हमने स्टिक का बहुत ट्रेड किया है लिटरली। फिर 3 फार्मर है, तीनों 3 फार्मर बना दिए, बहुत ही ज़्यादा ट्रेड उन सबसे किया। एक पटेटो वाला बनाया, एक वेट वाला, और एक आई थिंक सो कैरेट वाला बनाया, और शुगर केन वाला तो है ही अपने पास लाइब्रेरियन। और हाँ फ्लिस्टर भी एक नहीं, ठीक है, तीन तीन, उसमें से 2 तो एट द एंड मैक्स कर दिए हमने। इतना ट्रेड उससे किया, उतना स्टीक उसको बेचा है ना, क्या ही बोलूँ मैं। और कोई नहीं यार, चलता आपको पता नहीं होगा, पर ये 5.5 या 6 घंटे का पूरा वीडियो है, समझ रहे हो ना? 5.5 से 6 घंटे पूरा हमने ग्राइंड किया और तभी आर्मर बनाया। पर आपको कितने टाइम में मिल रहा है? 19 मिनट 42 सेकंड। इसमें भी थोड़ा ऐप हो गया था, पहले वीडियो था लिटरली 26 मिनट का, उसमें मैं बहुत बड़ा क्लिप मीन्स जिसमें माइन कर रहा था उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करना भूल गया था, इसलिए 26 मिनट का बना था। और मेरे को लग रहा था बहुत बड़ा बहुत बड़ा बड़ा, एट द एंड जब मैं वॉइस ओवर करने बैठा तब मेरे को पता चला, तब मैंने उसको फिर से स्पीड अप कर दिया और फिर आ गया 19 मिनट का, समझ लो। फिर आप ये देख ही रहे हो पूरा फार्मिंग ही चल रहा है, मीन्स यार करना ही नहीं है कुछ और, फार्म करो, पटेटो लाओ, कैरेट लाओ, शुगर कैन निकालो। मीन्स वो तो पहले हमने पूरा लाइन किया, फिर वो किया बाद में पेपर बना के ट्रेड किया, फिर समझ रहे हो, वीट ग्रो करो, ये वो सब करने के बाद एट द एंड हम ट्रेड करने जाते हैं, ठीक है। लिटरली ये जो है पहला ट्रेड में दिखा रहा हूँ, उसके बाद के ट्रेड आई डोंट थिंक सो मैं दिखाऊंगा सारे, पर ये पहला ट्रेड है हम मैंने जो किया फार्मर के साथ। फार्मर भी पूरे नहीं थे, ठीक है, एक ही फार्मर था और उससे हमने फिर तीन तीन फार्मर बनाए। पहला फार्मर कैरेट वाला बहुत ट्रेड किया, ये कुछ अच्छा है फार्मर था, ठीक है, ये कुछ अच्छा था। बाकी के सारे विलेजर्स साला हमारा जो समझ रहे हो ना, जो हमको चाहिए था एमरल्स वगैरह आर्मर के लिए ऑफ कोर्स ट्रेडिंग करना था, बहुत हरामी थे, सब ने अपना ट्रेड बढ़ा ही दिया, अलग ही लेवल नशे वाले थे, ठीक है, सब ने अपना ट्रेड बढ़ा दिया। और जो आर्मर था ना हमारे पास, एक नंबर का गधा था, आपको बाद में पता चलेगा। और हाँ एक और बात, हमको इस वीडियो में बहुत एक चुम्मी सी चीज़ मिली, लिटरली चुम्मी सी चीज़ मिली, एक चीज़ हमें मिली है इस वीडियो में, वो भी आपको आगे जाके पता चली जाएगा। और वहाँ से हमको एक लाइब्रेरी मिला है, आप अब समझ गए हो तो सही है, वरना आगे जाके देख ही लेना कब है, मैं टाइम स्टैम्प भी नहीं बताऊँगा, ठीक है, देख सकते हो। फिर से एक और बार नहीं, फिर से तो नहीं, मैंने इस बार वीट निकाला है, क्योंकि वीट वाला फार्मर हमारे पास था नहीं, अभी तक हमारे पास एक ही फार्मर था जो कैरेट वाला था जो हमने पहले दिखाया था। पर अब आगे जाके मैं बनाने वाला हूँ दूसरे फार्मर्स जो रहेगा वीट एंड कैरेट का, और डेवस्टर ने तब तक ये भी बना दिया जो हम सीड वगैरह डाल के वो कर सकते हैं, समझ रहे हो ना, सीड से बोन मील बना सकते हैं, वो वाला भी डेवस्टर ने बना ही दिया। मैंने बोला था, ठीक है, इंटेलिजेंट मैं हूँ, वो नहीं, ठीक है, थोड़ा अप्रिशिएट कर देना मेरे को। और कोई नहीं यार, इधर से अब हमको अब तो बोन मील का भी हो गया, लिटरली वीट के फार्म के बगल में ये भी बन गया, मीन्स यार क्या ही फायदे वाली बात है, समझ रहे हो। और हाँ जल्दी हम शुगर कैन फार्म भी ग्रो करने वाले, बड़ा करने वाले हैं, एक्सटेंड करने वाले हैं, और ऑटोमेटिक भी बनाने वाला है, तो सही है फिलहाल। तो यहाँ पे एक और मैंने बना जरूर लिया था, वीट वाला डायरेक्टली तो नहीं मिला था, 3 बार में मिला था, पर वो आपको क्यों ही दिखाऊँ मैं, दिखा भी क्यों आपको मैं, समझो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमने वीट वाला बहुत ग्रो कर लिया, एक और बनाने की कोशिश की, उसने भी थोड़े नखरे जरूर दिखाए, पर एट द एंड वो भी पोटेटो वाला मिल गया, उससे भी पोटेटो ट्रेड वगैरह कर लिया, ऑल सेट टू गो। 35 एमराल्ड हो चुके थे अभी तक हमारे पास, और लिटरली 35 प्लस 23 थे दूसरे चेस्ट पर, 58 एमरल्ड। और तब तक हमको यार एक चीज़ मिल गई थी, समझ रहे हो,
हमको आई थिंक सो मिल चुका था प्यारा सा वो लाइब्रेरियन क्या दे रहा था। अब आगे जाके देखो मैंने ट्रेड भी किया है उससे। हार हमारा ये जो था आर्मर वो ले रहा था कॉल, और देवेस्टर भाई लिटरली बोल रहा हूँ वीडियो को स्टार्टिंग से बोल रहा था, मैं जाऊँ क्या कॉल लेने, मैं जाऊँ क्या कॉल लेने, मैं कॉल लेके आता हूँ, मैं कॉल माइन करके आता हूँ। पर यार मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि अगर देखो नॉर्मल पिकेक्स हम तोड़ने जाएंगे कॉल लेने जाएंगे तो यार ज़्यादा नहीं मिलेगा, एक कॉल और से एक ही कॉल मिलने वाला है, और लिटरली हम कितना ही कॉल और ढूंढेंगे, समझ रहे हो। मैं बोला था ना फ़ायदा उठा रहे, ये देखो साला 32 स्टिक्स के बदले एक स्टैक स्टिक के एक एमराल्ड दे रहा है, भाई हर एक फ़ायदा उठा रहा है। ये भी देखना पोटैटो वाला 26 से 33 पोटैटो में एक एमराल्ड दे रहा है, मींस यार हर एक फ़ायदा उठा रहा है विलेजर, समझ रहे हो। और हमको इधर फॉर्च्यून 3 भी मिल गया था, तो मैं यही बात कर रहा था कि एक पिकेक्स बनाते हैं, डायमंड ऑलरेडी हमारे पास 40 है, तो एक काम करते हैं हम पिकेक्स बनाते हैं एक डायमंड की, फॉर्च्यून 3 लगाते हैं और फीड माइन करेंगे, मीन फिर समझ रहे हो एक और से एक नहीं मिलेगा ज़्यादा ही मिलेगा ना, इसलिए मैंने सोचा कि वो करते हैं, उससे लाइब्रेरी मीन्स आर्मर भी जल्दी अपग्रेड होगा और जल्दी एनचांटेड चीज़ें देगा, तो इसीलिए हमने वही किया। और ऑलरेडी मैं आई थिंक सो मैंडिंग ले चुका था, दो मैंडिंग तो वो भी सॉरी दो मैंडिंग नहीं, दो एफिशिएंसी 5 ले चुका था, तो हमारे पास वो भी पड़ा था। और ये सब चीज़ें डालने के लिए हमें चाहिए था एक लैक्टन, और आपको तो पता ही है तुम्हारा भाई आयरन के मामलों में कितना अमीर है, बहुत एमरल्ड मीन्स बहुत आयरन है, लिटरली 27 ब्लॉक ऑफ आयरन एंड 5 एक्स्ट्रा, और बहुत बढ़ने वाले, इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना ठीक है। फिर लैक्टन भी लगा देंगे, फिर डायमंड की पिकैक्स बनाने वाले अब, क्योंकि यार उसके अलावा कैसे ही चलेगा, 40 डायमंड्स है और हम डायमंड की पिकेक्स नहीं और आयरन की पिकेक्स में इफिशियंसी 5 और फॉर्च्यून ट्री डाले, भाई घंटा पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो ना, तुम्हारा भाई अमेरिकी झलक दिखाता है इसमें। डायमंड की पिकेक्स बनाएंगे और उसको एक प्यारा सा नाम भी देंगे, लिटरली ये आप देख सकते हो भाई इफिशियंसी 5 फॉर्च्यून 3 वो भी डायमंड की पिकेक्स में, मीन्स यार वो तो तुम्हारा भाई एनसीडीडी लेने वाला है पिकेक्स ऑफकोर्स कन्फर्म ही है, तो यार एक नाम भी देना ज़रूरी था ठीक है। ये पहले ही ऑलरेडी हम बातें करते करते ये सब कर रहे थे कि क्या नाम दे क्या नाम दे, समझ रहे हो ना, ऐसा इतना भी नहीं पर क्या नाम दे ऐसा सोच रहे थे, और हमारे SMP वाले वर्ल्ड में पता ही था हम क्या नाम देते थे, वैसा ही कुछ नाम देना था, तो पहले तो नाम देना ज़रूरी था क्योंकि फिर एनचांटिंग हो जाता है तो बढ़ जाता है, तो हमने नाम दिया अपने पिकेक्स का हसीना, फिर आई थिंक सो स्वॉर्ड का दूंगा फसीना, ऐसे ही कुछ देने वाला हूँ, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना ठीक है। पहले तो लग गया यार पे फॉर्च्यून 3, दूसरे में लग गया एफिशिएंसी 5, मींस यार मज़े ही मज़े, समझ रहे हो। मैं डायरेक्टली आ गया यार कॉल मैन करने, मैंने कहा छोड़ो सब कुछ यहाँ से, इससे कॉल मैन करते बहुत कॉल लेते और फिर जाते हैं ट्रेडिंग करते दबा के आर्मर को, इससे ही मैक्स कर दूंगा मैं और इसके ही एमरल्ड से उसका आर्मर ले लूँगा। पर यार स्टार्टिंग के 3 और से 3 ही कॉल मिले, बहुत दर्द हुआ दिल को यार, फॉर्च्यून 3 है कुछ तो काम कर ले फॉर्च्यून 3, सोचा कि यार और ये सब छोड़ो और ध्यान देते हैं माइनिंग पे, बहुत कॉल मिल चुका था, अब देखना भाई क्या मीन्स दबा के कॉल मिलता है, और इससे के बाद फास्ट फॉरवर्ड भी हो जाएगा, बहुत सारा कॉल यहाँ पे दिखा सब उठा लिया तुम्हारे भाई ने, कोई दिक्कत नहीं था, आयरन भी मिल गया था और आयरन की पिकेक्स भी थी हमारे पास, तो यार वो भी हमने कर ही दिया एट दी एंड, कोई दिक्कत आई नहीं। फिर आ गया यार सोने की, फिर रात भी होने को आई थी एट दी एंड, और मैंने सोचा यार अगर डायमंड का पिकेक्स ऐसे यूज़ करेंगे हेल्थ जाएगा, फिर BT आएगा, फिर डायमंड यूज़ करने पड़ेंगे, उससे अच्छा यार मैंडिंग तो चाहिए ही, लिटरली आप देखना ठीक है। अब तक जो जो चाहिए था मेरे को कुछ नहीं मिला है डायरेक्टली, पर ये देखना ज़रूर मेरे को कितनी बार में मैंडिंग दे रहा है ठीक है, लिटरली 2 बार हो चुका है, 2 बार मैंने उसके लैग्न तोड़ दिया, 2 बार उसको रिफ्रेश कर दिया उसका जॉब, 3री बार नहीं देगा, तू नहीं देगा मेरे को दिल से भरोसा था, 4थी बार अब करने वाला हूँ, और लिटरली ठीक है 4थी बार करूँगा, मेरे को नहीं देने वाला मेरे को पता है, नहीं सॉरी 4थी बार में दे दी थी, और मैं 4थी बार में लिटरली बोला था भाई मैंडिंग दे दे बहुत अर्जेंट काम है, डायमंड का पिकेक्स मेरे को BT नहीं देना है, मेरे को दे दे मैंडिंग, दिल से बोला था, और उसने 4थी बार में दे दिया, मैंने इसे मैंडिंग की बुक निकाली और फिर आ गया यार एनचांट करने के लिए, समझ रहे हो। अब तो यार पिकेक्स में दिख नहीं सकता देवेस्टर को, और लिटरली आप देखो रे एक मैंडिंग लगाने के लिए 5 एक्सपीरियंस कौन लेता है भाई, 30 है, और आप सोच रहे हो यार ये माइनिंग के बीच में आके क्यों मैंडिंग लगा रहा है, क्योंकि यार एक ही रीज़न है कि मैंडिंग क्यों लगा रहा है, मैंडिंग यूज़ कैसे होती है XP से ठीक है, कॉल लेने आ रहा है XP गारंटी मिलने वाली है, तो यार मैंडिंग से फ़ायदा ही फ़ायदा, XP मिलती रहेगी
और अपनी पिकैक्स रिपेयर होती रहेगी, कोई दिक्कत ही है नहीं। फिर बहुत सारा लिटरली भाई बोल रहा हूँ मैं, बहुत माइन किया, लिटरली आधे घंटे जैसे माइन किया था कोल लेने के लिए, और आपको दिख रहा होगा आधा घंटा, घंटा नहीं हुआ, पर आगे जाके पूरा देखो आधा घंटा गारंटी है भाई। और मैंने यहाँ पे तो पूरा खोद दिया था, ऊपर नीचे जहाँ पे भी देख रहे थे सब जगह से ले लिया। फिर मैं सोचा कि आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोल मिल गया, यहाँ पे आ गया, और ये अच्छा खासा क्यू भी लग रहा था। मैं आगे बढ़ता गया बढ़ता गया, और यहाँ पे बहुत प्यारी चीज़ मिलने वाली है, देखना ज़रूर। कोल फिर आयरन सब ले लिया, और यहाँ पे भी नीचे की साइड कोल था, तो मैंने ऐसे लिटरली जा जाके कोल लिया, ठीक है, क्योंकि कोल की ज़रूरत थी, ऑफकोर्स हमें कोल की ज़रूरत थी, तो ऐसे जा जाके लिया है। एट द एंड मेरे को थोड़ी देर में मिलने वाला है बहुत प्यारी चीज़, वो आपको, ये नहीं, इससे भी एक प्यारी चीज़ और है, पर वो आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे मेरे को मिल गया दो लावा नीचे जाते हुए, और लिटरली लावा ऐसे जा रहे है, मीन समझ रहे हो ना, कुछ ना कुछ तो मिल सकता है। और हाइट आप देख सकते हो 37, मीन्स वो उस टाइम पे मैंने हाइट तो देखा नहीं था, पर मेरे को लिटरली दिल से लगा था कि यार यहाँ पे ऐसे लावा जा रहा है दो दो, यार दिल से लग रहा है कि यहाँ पे नीचे डायमंड होने चाहिए भाई, डायमंड होने चाहिए लिटरली। मैंने लावा बंद किया, पानी यहाँ से लेके नीचे गया, लैपिस भी मिल गया था मेरे को रास्ते में, लैपिस भी उठा लिया, और लिटरली मैं हाइट पे था, 18-17 की हाइट पे कुछ था, और नहीं फाइनल हाइट बताता हूँ, ओके 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 माय बैड, मैं लिटरली 11 की हाइट पे था, 11, और मेरे को दिल से लग रहा था कि यहाँ पे डायमंड तो मिलने ही मिलने वाले हैं। और सामने देखो भाई साहब डायमंड, लिटरली भाई मैं दिल से खुशी मना रहा था कि भाई मैं कोल लेने आया हूँ कि क्या करने आया हूँ, मेरे को यहाँ पे डायमंड मिल रहा है। गोल्ड तो चलो ठीक है ले लेते हैं, क्योंकि अभी नेदरराइट भी बनाना है ना, तो नेदरराइट के लिए गोल्ड तो चाहिए ही, तो गोल्ड और भी ले लिया। एट दिन कॉल भी ले लेंगे, पर उससे पहले डायमंड ज़्यादा ज़रूरी है। और अब लिटरली देखना ये मेरे को कितने डायमंड देते फॉर्च्यून 3 से, एक तोड़ा दो दिए, दूसरा तोड़ा एक ही दिया, तीसरे में भी दो दिए, नाइस, चौथा तोड़ा दो, और पांच में भी दो, भाई लिटरली बोल रहा हूँ मेरे को पांच और के बदले 9 डायमंड दिए, दिल से खुशी हुआ। फिर और भी यार वैसे ही रेगुलर कोल, और फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ पे ही लावा है तो यार यहाँ पे और भी मिल सकता है हमको डायमंड्स, तो मैंने ढूंढा नहीं मिला। फिर एट द एंड हमको एनचांटिंग टेबल भी बनानी थी, फिर अपना नेदर पोर्टल भी बनाना था जो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, पर उसके लिए ऑक्सीडेंट चाहिए, तो मैंने यहाँ से 21 ऑक्सीडेंट लिटरली ले लिया, ज़्यादा है मेरे को पता है, पर यार ले ही लिया। अपना तो हो चुका है भाई, 9 डायमंड जेब में पड़े हैं, और मैं और मीन्स और माइन करूँ, पॉसिबल है क्या, मजाक है क्या कोई। मैं डायरेक्टली यार ऊपर जाता गया जाता गया, और मीन्स ऐसे नहीं गया, मैं थोड़ा माइन करते करते गया, और मैं बाहर ही निकल गया, क्योंकि यार जाना ही है भाई, 9 डायमंड सबसे पहले घर के चेस्ट के अंदर रखने हैं। लिटरली मैंने 3 डायमंड यूज़ किए एक डायमंड की पिकेक्स बनाने के लिए, और मैं 9 डायमंड लेके आया भाई, 3x चल रहा है लिटरली भाई, मज़ा आ गया। मैं बोल रहा था बहुत प्यारी चीज़ मिली है, देखो ये मिली है चीज़ हमें, हमें मिला था यार एक इग्लू, जिसके नीचे रहता है एक जोम्बी विलेजर और एक नॉर्मल विलेजर, और फोशन गोल्डन एपल्स वगैरह सब मिलता है, वो नीचे रहता है वो वाला इग्लू हमको मिल गया, और ये मिला था डेवेस्टर को, और मैंने डेवेस्टर को भेजा था कि भाई तू जा कोल लेके आ, उसने भी फॉर्च्यून 3 वाला सेम डायमंड का पिकेक्स बना लिया, इजी था यार, हम पे एमरल्ड भी थे, वो भी था वो भी था, सब कुछ था, डायमंड्स भी थे सब कुछ था, तो मैंने उसको बोला कि जा तू डायमंड लेके आ, ठीक है, सॉरी डायमंड नहीं, सॉरी, मैंने बोला कि जा तू लेके आ जा कोल, और ये भाई जी इग्लू ढूंढ के आ गए, मीन्स वैसे तो अच्छा ही हुआ, पर कोई नहीं, हमको यहाँ पे मिल चुका था गोल्डन एप्पल विथ पोशन जो यूज़ होता है, मेरे को नहीं पता कौन सा पोशन यूज़ होता है, पर वो हमको मिल गया था, और मैंने अब एक भी बार लिटरली एक भी बार ज़ोंबी विलेजर को क्योर नहीं किया था, या फिर नॉर्मल विलेजर बनाया नहीं था, तो मैंने डेस्टर को बोला भाई तू एडजस्ट साइड, मेरे को बनाने दे, वरना तेरे को आयरन सोर का स्वाद मिल जाएगा। डेवेस्टर भी लाइक हाँ भाई आप ही कर लो भाई आपका ही है, मजाक रहा ये, पर ठीक है, उसने मेरे को बताता गया, मैं वैसे करता गया, उसने बोला कि पहले डाल दे वो पोशन वीकनेस प्लेस ऑफ वीकनेस पोशन कुछ होता है वो, और फिर गोल्डन एप्पल क्योर खिला देना, मैंने डाल दिया खिला दिया, और ये ठीक भी हो गया, और इससे ये ठीक हुआ, वो हम यहाँ पे नहीं थे, हम पूरा घूमने गए थे, क्योंकि देवेस्टर बोल रहा था कि मेरे को ऐसा इन्फेक्टेड स्टोन देखने को मिले आगे केव में, और मेरे को लग रहा है यहाँ पे एंड पोर्टल है, हम दोनों खुश, उसको लग रहा है एंड पोर्टल है, मैं बोला भाई सही है तेरे को एंड पोर्टल मिल गया और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, चलो एंड पोर्टल देखने जाते हैं।
और क्या किया पता है देवेस्टर ने, इसके पीछे गया, वहां से पीछे की साइड खोदते खोदते आया माइन करते करते, और एट द एंड भी यही पे आया, और यही इग्लू का ही एंड वो था इन्फेक्टेड स्टोन। भाई क्या गलत नशे किए थे ना, क्या ही बोलूं। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमने फिर सोचा कि यार ये लाइब्रेरियन बन चुका है, वो अलग बात है कुछ बुक नहीं दे रहा, पर यार सस्ते ट्रेड दे रहा है एट द एंड। 18 पेपर में कैमरल, जो 24 पेपर में देता है वो 18 पेपर में, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, पर यार थोड़ा फर्क है, तो मैंने सोचा कि यार इसको घर लेके चलते हैं, ठीक है यार अच्छा है, आगे जाके और सस्ती चीज़ें देगा अगर कुछ एन्चेंटेड बुक दिया तो। मैंने सोचा कि घर लेके आते हैं, और मैं ही खुद लेके आ गया, देवेस्टर को और कोल माइंड करने ही रखा, और मैं यहाँ पे आ गया। रास्ते में पोलर बियर का बच्चा भी मिल गया था, उसको भी लेके आ गए, ठीक है, और इसको भी ले ही आया, इसको छोड़ भी दिया। अब बारी है आर्मरर की, आर्मरर से ट्रेड करता ही गया करता ही गया, मैक्स लेवल का बना दिया हमने, ठीक है, कोल से ही। और ये हमको दे रहा है क्या लेवल 5 पे प्रोटेक्शन 2 वाला डायमंड का आर्मर, लिटरली हमने इतना मेहनत किया प्रोटेक्शन 2 के लिए, भाई दिल को दर्द हुआ था पता है। और इसके बाद और हमें लैगिंग्स हेलमेट भी चाहिए था, देवेस्टर बोल रहे चल एक और आर्मर बनाते हैं, उसको भी मैक्स करेंगे, वो भी मिल जाएगा हमको। मैंने बोला कि छोड़, उस गधे के विश्वास नहीं करना भाई, प्रोटेक्शन 2 वाला दे रहा है, और आई थिंक सो जूते मिले हमको उससे, और वो मिला दैट्स प्राइडेड 2 वाला। लिटरली भाई मेरे दिल को दर्द हुआ, भाई इतना मेहनत किया और ये दिया इसने। इसलिए मैंने सोचा कि चल छोड़, मैं ऑक्सीडेंट लेके आ चुका हूँ, एन्चेंटिंग टेबल बनाते हैं उससे अपग्रेड करेंगे, बढ़िया रहेगा। मैंने फिर बना लिया एक हेलमेट और लैगिंग्स भी, मीन्स एक नहीं दो दो हेलमेट दो लगे, क्योंकि उसका भी आर्मर बनाना है मेरा भी बनाना है, दोनों साथ में ही करेंगे ना। और फिर हमने क्या किया पता है, ये देखो आपको ये आप सोचोगे यार ये इतना कैसे, ये डायरेक्टली कैसे हो गया अपग्रेड, ये सब एन्चांटेड दिख रहा है, कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल कैसे डायरेक्टली एन्चांटेड दोनों चीज़ हो गई। पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आपको अब स्क्रीन पर एक स्क्रीन शॉट दिखेगा, ज़रूर देखिए। बीच में आपको फाइल दिख रहा होगा 4.8 GB का, जो नल हो चुका है, मींस वो अपनी जो स्टोरेज होता है उससे एक्सटेंड हो चुका है, 4 GB का ही मैक्स लिमिट है और उससे एक्सटेंड हो चुका है। उसी चक्कर में साला भाई पूरा वीडियो बन गया, उसके बाद भी ये चल नहीं रहा, और लिटरली बीच में ये रिकॉर्डिंग होना स्टॉप हो गया था, ठीक है। पर यार क्या ही करे यार, आपके लोग क्या बोल रहा हूँ किस्मत फूटी हुई। लिटरली हमने 1.5 घंटे या 2 घंटे ग्राइंड किया था उस वीडियो में, और कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, जीरो। उसमें हमने पूरा आर्मर ही कर दिया था एन्चेंट, और मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, वीडियो बंद होने से पहले, मीन्स एंड होने से पहले मैं दिखा दूंगा क्या एन्चेंट लग गया सब में, ठीक है। और मैंने 2 स्वॉर्ड भी बना दिए यार, थोड़ा लुक में अच्छा लग गया, थंबनेल के लिए 2 स्वॉर्ड भी एन्चेंट कर ही दिया। अब दिखाता हूँ, देखो नहीं सॉरी मैं अभी फिलहाल मेरी वो स्वॉर्ड कर रहा हूँ कि एन्चेंट करते कुछ अच्छा सा मिलेगा। लिटरली 6 लैपिस बचा है, मीन्स 2 स्वॉर्ड हो सकती है लास्ट। मेरे को मिला शार्पनेस 3 और 30 लेवल करके मैंने किया भाई, तब भी चला सिर्फ आपने स्त्री, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया, कैसा नहीं कि मैंडिंग डाल दूँ, ये डाल दूँ, वो डाल दूँ, पर कुछ नहीं। आप सोच रहे हो यार ये कैसे पॉसिबल है, पर भाई हम कर रहे थे। आपको सब दिखाता हूँ, मेरे जूते पे देखो स्ट्रेस पैडर 2 मैंडिंग 1, मेरे लेगिंग्स पे प्रोड 4 अनब्रेकिंग 3, चेस्ट प्लेट पे पॉड 2 और हेलमेट पे अनब्रेकिंग 3 सिर्फ। अब ये देखो आप देवेस्टर का हेलमेट पॉड 3 रेस्पिरेशन 3 थॉन्स 2 एक्वा इन्फिनिटी 1 भाई एक बार में, प्रॉड 2 ऑन चेस्ट प्लेट जो मिला था हमको थॉन्स 2 और प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 2 या 3 था वो मिला था देवेस्टर को, और इसको स्माइट 4 भी मिल रहा है इस स्वॉर्ड में, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा, पर यही ठीक है यार। आपने स्त्री से तो मेरे को लगा अच्छा लगा, पता नहीं जो भी है। और आप सोच रहे हो यार इसके हेलमेट पे इतना सब कुछ कैसे, भाई इसका हेलमेट मैंने बनाया था, ठीक है, ये मना कह रहा था कि मत कर यार, क्योंकि उसको आई थिंक सो एक्वा एनफी 1 ही मिल रहा था सिर्फ, एक्वा एनफी 1 या फिर थॉन्स 2 कुछ तो मिल रहा था, पता नहीं मेरे को याद नहीं है, पर वो एक ही चीज़ दे रहा था और बाकी क्वेश्चन मार्क था। मैंने सोचा कि भाई करने दे, अगर ऐसा है तो मेरा हेलमेट ले लियो, ठीक है, अनब्रेकिंग 3 वाला मैक्स है अनब्रेकिंग का। उसने बोला कि चल कर दे, और उसको मैंने किया, और मैं उसके लिए इतना लक्की हूँ कि इसके बदले इतना इसको मिल गया भाई, एक चीज़ दिखाने में मैं लिटरली खुश हो गया। फिलहाल तो यार इस वाले वीडियो को अब तो एंड करते हैं, ठीक है, और आप मेरे को ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे होए। नेक्स्ट वीडियो में लिटरली हमने तो सोचा है कि एक बना लेते हैं हम XP फार्म और उसके बाद सब में मैंडिंग लगा देते हैं, पर नहीं, वो आप बताना किस पे करें। और हाँ, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक सबको डाटा बाय।